हेलो एवरीवन, माय नेम इज डीजे मर्सी और आज आपके लिए मैं एक नया ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, हाउ टू क्लीन अप योर लॉन्ग रिवर्ब्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ मेरा एक प्रोजेक्ट है, यहाँ मैंने एक वोकल चॉप लोड कर रखा है और एक बेस लोड कर रखी है। मैं वोकल चॉप को एक मिक्सर दूंगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। सो मैं जो रिवर्ब यूज़ करने वाला हूँ, आप चाहे डिफॉल्ट रिवर्ब यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ करने वाला हूँ वलहला विंटेज वर्ब। ये बहुत ही अच्छा रिवर्ब है। सो मैं यहाँ पे एक प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ, आप अपना एक मैनुअल भी बना सकते हो, मैं अभी स्टिल एक प्रीसेट यूज़ कर रहा हूँ। सो प्लेट वोकल प्लेट, इसे मुझे एक लॉन्ग रिवर्ब करने के लिए थोड़ा सा डीके मुझे बढ़ाना होगा, मैं सुन सुन के कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा प्री डिले भी बढ़ा रहा हूँ, ये सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मिक्स नॉब है, ये ड्राई और वेट की मिक्स नॉब होती है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो वोकल का पहला वोकल चॉप का जो रिवर्ब है वो सेकंड वोकल चॉप के ऊपर कोलाइड कर रहा है। सो वो एक तरह का मैसीनेस हो जाता है। सो मैं इस चीज़ को अवॉइड करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे साइड चेन यूज़ कर रहा हूँ। सो आप साइड चेन करने के लिए काफ़ी सारे प्लगइन यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ पी कंट्रोलर, आप फ्रूटी लिमिटर भी यूज़ कर सकते हो और आप ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे पी कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो वोकल के लिए एक रिवर्ब बस भी बना सकते हैं। सो मेरे को क्या करना है, ये पीक वाले पार्ट से मुझे ये जो रिवर्ब की मिक्स नॉब है इसे लिंक करना है। इसे लिंक करने के दो तरीके हैं, या तो आप हल्का सा ट्विक करें और टूल्स पर जाएँ, लिंक टू कंट्रोलर, लास्ट वीक लिंक टू कंट्रोलर, एक मेथड ये है। एक मेथड यहाँ पे आप जाके ब्राउज पैरामीटर्स कर सकते हैं और जिस नॉब को भी आपको लिंक करना है आप उसे टच करेंगे वो हाईलाइटेड हो जाएगी। तो मेरे यहाँ पे मिक्स नॉब है, इससे राइट क्लिक करा, लिंक टू कंट्रोलर, और हमने पीक वाले पार्ट से लिंक कर दिया है और हम इसे इन्वर्टेड कर देंगे क्योंकि मुझे साइड चेनिंग इफेक्ट चाहिए। सो अगर हम इसे प्ले करते हैं, आप देख रहे हो कि आपकी जो मिक्स नॉब है ये 100% हो चुकी है। तो हम इसे कंट्रोल, हमने इसे लिंक कर दिया है तो हम इसे कंट्रोल करते हैं। ये जो हमारा बेस है ये हमारा बताता है हमें कितना लेवल, जो हमारी नॉब्स है उसको कितना लेवल हमें देखना है, मैक्सिमम लेवल कितना देना है। सो मैं अराउंड 46 के पास ले रहा हूँ। अब अगर आपको इसे पूरा डक करना है, आप देख रहे हैं पूरा डक नहीं है, तो मैं इसे 100% वॉल्यूम को 100% कर देता हूँ। सो आप सुन रहे हो ये कितना क्लीन हो चुका है। सो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है बट बहुत ही अच्छी टेक्निक है। सो होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो। फॉर फ्यूचर ट्यूटोरियल्स डू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी या।